लेट्स टॉक अबाउट जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप पार्टनरशिप्स के अंदर एक फैक्टर इज़ सप्लायर्स वो जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप का हिस्सा है इसके अंदर जो सप्लायर्स और परचेजर के दरमियान जो पार्टनरशिप होती है दैट इज बेसिकली डेट विच वी यूज टू रिमूव वेस्ट एंड ड्राइव डाउन द कॉस्ट टारगेट इज़ कि पूरी जो सप्लाई चेन है उसकी कॉस्ट हम रिड्यूस करें रादर देन एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की सिर्फ कॉस्ट रिड्यूस करे, तो टारगेट क्या है कि पूरी सप्लाई चेन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सो दैट सप्लाई चेन में जो भी पार्टनर है वो उसमें प्रॉफिट उसको मिल सके तो वो वेस्ट रिमूव होगा तो उसकी बेसिस के ऊपर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी गोल्स ऑफ जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप इज़ के जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं पूरी सप्लाई चेन के अंदर वो एलिमिनेट की जाए uh, उसके अंदर ज़्यादा कहीं स्टोर uh, करना ना पड़े बग़ैर किसी वजह के फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो स्टोर कर रहे हैं तो डेट मीन्स के वो स्टोरेज के जो असल रीज़न है वो ट्रांसपोर्ट की नॉन अवेलेबिलिटी है तो इट दे शुड इंश्योर कि ट्रांसपोर्ट जब चाहिए उसी वक्त अवेलेबल हो उसके अंदर कोई डिले ना हो तो डेट ये वेस्ट जो है आ, ये अननेसेसरी एक्टिविटी को एलिमिनेट किया जाए देन इन प्लांट प्लांट के अंदर जो इन्वेंट्री है उसको एलिमिनेट किया जाए Uh, एक है इन्वेंट्री uh, जो हमने मार्केट के पास रखी होती है प्लांट अगर कहीं दूर है फॉर एग्जांपल प्लांट इज़ इन कराची और लाहौर के अंदर मार्केट है उसका माल चाहिए तो फिर ये नहीं हो सकता कि जी आप uh, उसके मुताबिक uh, क्या कहते हैं डिमांड हो तो फिर आप पुल करेंगे तो उसके अंदर ये होता है कि आप यू कंस्ट्रक्ट अ वेयर हाउस इन लाहौर तो डेट कुछ इन्वेंट्री जो है वो आप इधर मेंटेन कर लें सो दैट मार्केट को सप्लाई किया जा सके बगैर एनी डिले अगर इधर प्लांट नहीं लग सकता तो वो लेकिन प्लांट के अंदर इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए दैट इज़ द टारगेट जस्ट इन टाइम का कि जो प्लांट के अंदर इन्वेंट्री है उसको एलिमिनेट किया जाए uh, उसके रखने की जरूरत नहीं है दैट इज़ वेस्ट जबकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो इन्वेंट्री है यस दैट इज़ प्रॉबली रिक्वायर्ड तो उसको र, रखा जाता है इन ट्रांजेंड इन्वेंट्री दैट शुड ऑल्सो भी एलिमिनेटेड क्योंकि ये भी वेस्ट uh, है और इसको भी एलिमिनेट किया जाए जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास है इन्वेंट्री वो भी मिनिमल इन्वेंट्री होनी चाहिए वो ये नहीं है कि वो बेताशा इन्वेंट्री रखे तो उसको कॉस्ट उसकी पढ़ रही हो तो दैट शुड आल्सो बी अवॉइडेड और इन ट्रांजिट भी ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए स्मॉल लॉट साइज होगी तो इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं होगी सप्लायर्स uh, अगर आपके बेहतर नहीं है तो दे शुड बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि सप्लायर के बेस के ऊपर आपका जो प्रोडक्ट uh, है उसका अच्छा खासा दारदार सप्लायर की क्वालिटी के ऊपर है टाइमली डिलीवरी के ऊपर है तो अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या टाइम ताँग, टाइमली वो सप्लाई नहीं कर रहा ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो रही तो वो देर इज़ अ प्रॉब्लम तो ये बड़ा अच्छा है, इन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं जहाँ के वो वेंडर को मैनेज करते हैं सप्लायर्स को मैनेज करते हैं बट सप्लायर को एज अ पार्टनर कंसिडर करते हैं जैपनीज का ये एक uh, तरीका है कि दे टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू डिसाइड ऑन द सप्लायर बट वंस दे हैव डिसाइडेड कि जी ये सप्लायर हमने कर रखना है तो देन दे गिव फुल सपोर्ट टू द सप्लायर एंड कंसिडर द सप्लायर एज अ पार्टनर तो उसके अंदर पुअर सप्लायर्स को देन यू हैव टू एलिमिनेट दो पुअर सप्लायर्स और क्वांटिटीज जो हैं वो बेसिकली ठीक क्वांटिटी का सप्लाई होना चाहिए तो उसके लिए क्या हो, होगा उसके लिए फोरकास्ट जो है वो डिमांड की वो शेयर की जाए कि जी ये हमारा प्लान है इस तरह हमने प्रोडक्शन करनी है तो हमें इन टाइम पर हमें ये क्वांटिटीज़ चाहिए होंगी कंपोनेंट्स की मटेरियल की सो दैट प्रोडक्शन स्मूथली रन हो सके रादर देन इन्वेंट्री रखनी पड़े और उसकी वजह से वेस्टेज आप इनकर कर रहे हो आप uh, जैसे मैंने बताया था कि स्मॉल लॉट के डिलीवरी uh, सप्लायर्स भी कर रहे होते हैं तो वो फ्रीक्वेंटली uh, एक दिन में तीन चार टाइम्स डिलीवर uh, कर रहे होते हैं और uh, uh, इतने फ्रीक्वेंटली इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि स्मॉल लॉट के अंदर डिमांड किया जाता है तो वो जो आ, वर्क सेंटर है वो वेंडर से डिमांड करता है और स्मॉल क्वांटिटी में करता है और वो फिर उसको बहुत फ्रीक्वेंटली डिलीवर करना पड़ता है फैक्ट्री में और दैट इज़ वाई जो वेंडर है जो सप्लायर है वो फैक्ट्री के करीब ही अपने आप को लोकेट करता है सप्लायर्स uh, के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया जाते हैं पार्टनर्स के साथ शॉर्ट uh, टर्म नहीं होता सो uh, दैट so uh, जो वो पार्टनरशिप के अंदर आए हुए हैं जस्ट इन टाइम के दे कंसिडर देम पार्टनर ऑफ दैट कंपनी पेपर वर्क बहुत कम यूज़ किया जाता है कि उसके ऊपर वेस्टेज दैट इज अ वेस्टेज यूजली इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के ज़रिए या इंटरनेट के जरिए ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं और उस बेसिस के ऊपर ये सारा काम चलाया जाता है पेपरलेस एनवायरनमेंट uh, के अंदर uh, जो प्रोडक्ट है जो डिलीवरी हो रही है वो ना अंडर एज ना ओवर एज uh, ये इट शुड बी क्योंकि अगेन स्मॉल लॉट साइज़ में होगी तो वो बिल्कुल आपका परफेक्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए और उसकी वजह से ये जो ओवर uh, एज और अंडर एज है कि ये टाइम ज़्यादा हो गया है ये जल्दी दे दी है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो उसको एलिमिनेट किया जाता है सप्लायर uh, जो पैक करेगा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्मॉल लॉट साइज़ होती है तो वो पैकेजेस के अंदर सप्लाई uh, किया जाता है कंपोनेंट्स वगैरह तो वो एग्जैक्टली exactly, जो क्वांटिटी दी हुई है उतनी ही सप्लाई की जाती है और यूजली ये जस्ट इन टाइम के अंदर जो कंटेनर्स हैं वो डिज़ाइन ही ऐसे किए जा सकते हैं कि उस क्वांटिटी से ज़्यादा उसमें पड़ी ना सकें सो दैट ह्यूमन एरर जो है वो हम एलिमिनेट कर दें ह्यूमन एरर की है कि आपको काउंट ना करना पड़े दस यूनिट्स का अगर रिक्वायरमेंट है लॉट साइज दस की है तो वो कंटेनर दस के ही साइज का होगा उससे ज्यादा उसमें आ नहीं सकेगा तो जैसे ही कंटेनर फुल हुआ तो वर्कर को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती वर्कर नोज कि ये इसमें दस ही यूनिट uh, आए होंगे और वो उसको सप्लाई कर देगा सप्लायर्स uh, uh, जो प्रोडक्शन लॉट साइज है उसको स्मॉलर से स्मॉल करेगा उसको लार्ज लॉट साइज में नहीं सप्लाई करेगा दैट इज द रिक्वायरमेंट ट से वो पहले हंड्रेड कर रहा था फिर उसको दिया जाएगा कि आपने किस तरह ये लॉट साइज को आपने ओवर द पीरियड रिड्यूस करना है क्वालिटी के अंदर uh, एक तो स्पेसिफिकेशन जो एम्पोज सप्लायर के ऊपर कम से कम की जाएगी तो डेट प्रोडक्ट क्वालिटी का मिलना चाहिए और uh, फिर सप्लायर्स की हेल्प की जाती है कि वो क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें और जो रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटी की वो पूरी कर सके रीज़न बीइंग अगर उधर से क्वालिटी अच्छी आएगी तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं होगा सप्लायर्स uh, और, uh, uh, और जो बायर्स हैं और जो कंपनी है उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस की क्लोज आप कह कि रिलेशनशिप होती है क्वालिटी एश्योरेंस पीपल की

वो यूज़ किया जाता है इसको क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आ, शिपिंग का कॉन्सेप्ट शेड्यूल इन बाउंड फ्राइट वो इन इन बोड फ्रेट्स को शेड्यूल वो करते हैं आ, उसके अंदर बेसिकली कंपनी फ्रेट यूज होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिया होगा उसके बेसिस के ऊपर शिपिंग की जाएगी आ, वैसे नहीं होगा कि मार्केट में जाकर आप करें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी कंपनी को पहले से ही इंश्योर किया होगा और दैट कंपनी विल बी पार्टनर ऑफ दिस आपकी कंपनी के पार्टनर एक कंसिडर अपने आप को करेगी क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं uh, इसी तरह एडवांस शिपिंग नोटिस जो है उसको बहुत नॉर्मली uh, यूज़ किया जाता है सो so दैट जो सप्लायर है वो पहले से आपको नोटिस भेज देता है कि ये इस डेट को आपका ये आ, क्या कहते हैं मटेरियल डिलीवर हो जाएगा